सो हे गाइस, दिस इज सनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बी सनी। कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे आज। पहली अपडेट है वो ये आ रही है कि अभी आर्यन खान जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं, जो कि एक वेब सीरीज़ को डायरेक्ट भी करेंगे, जो कि रेड चिली से प्रोड्यूस कर रहा है, सो उसका जो नाम होगा वो होगा स्टारडम। सो स्टारडम के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे आर्यन खान की जो क्लोथिंग कंपनी है डियावोल एक्स, उसने कुछ दिन पहले कुछ जैकेट्स लॉन्च किए थे, जिसका कि शाहरुख खान ने और आर्यन खान ने एंड उनकी बेटी जो है सुहाना खान, उन्होंने प्रमोशन भी किया कि आईपीएल के दौरान वो लोग वही जैकेट पहन करके गए थे। तो उसको इन लोगों ने 30 स्टॉक लॉन्च किए थे एंड वो लाखों में थे, मतलब कई सारों की प्राइस तो मतलब 1.5 लाख 2 लाख इस टाइप की थी। सो उसकी जो 30 उन्होंने स्टॉक लॉन्च किए थे वो बिक गए पूरे के पूरे, वो भी कुछ ही घंटों में। सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। एंड एक ऐड भी आया था डियावोल एक्स के लिए, जिसमें शाहरुख खान और आर्यन खान दोनों को हम देख सकते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा था। डायरेक्शन वाइज मैं कहूँ तो काफ़ी अच्छे से डायरेक्ट किया गया था उस ऐड को, एंड कलर वगैरह, लाइटिंग वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छा था एंड देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो ये चीज़ तो काफ़ी अच्छी है कि अब लोग आर्यन खान का कंपैरिजन नहीं करेंगे एक्टिंग वाइज, तो वो लेट्स सी कि वो एक कैसे डायरेक्टर बनकर सामने आते हैं आगे। सो अगली जो अपडेट है वो है नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की अगली फिल्म जोगीरा सरारा को लेकर, उसका ट्रेलर आया एंड पर्सनली मुझे वो ट्रेलर बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगा। एक रोमांटिक फिल्म है बट कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ बताने की कोशिश नहीं की गई है, तो मुझे तो ठीक ठाक सा ट्रेलर लगा। अगली अपडेट है क्रिश 4 को लेकर की ऐसी खबर थी कि इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने कि इससे पहले बैंग बैंग वॉर और पठान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट किया है। बट अभी एक खबर आ रही है कि क्रिश 4 के लिए एक नया डायरेक्टर फाइनलाइज किया गया है एंड वो है करण मल्होत्रा ने इससे पहले ऋतिक रोशन के साथ अग्निपथ बनाई थी, इसके अलावा ब्रदर्स एंड शमशेरा में भी उन्होंने रणबीर कपूर के साथ काम किया था। एंड ऐसी खबर है कि ये फिल्म अगले साल फ्रोज पर आने वाली है एंड मे बी 2026 को ये फिल्म रिलीज़ होगी। सो लेट्स सी क्या होता है। वैसे क्रिश 4 की तो ब्रांड वैल्यू इतनी है कि अगर फिल्म एवरेज भी हो तो ये फिल्म आराम से 60-70 करोड़ का कलेक्शन कर लेगी इंडिया में हिंदी नेट। सो लेट्स सी फिल्म कब रिलीज़ होती है। एंड अगली अपडेट है जवान के सॉन्ग को लेकर। अपडेट ये है कि जवान में 5 गाने होने वाले हैं। पहला जो गाना होगा वो होगा नयनतारा का एक इंट्रो सॉन्ग, उसके बाद SRK नयनतारा का एक मास सॉन्ग होगा एंड SRK नयनतारा का एक रोमांटिक ट्रैक होगा, जो कि अभी कुछ दिन पहले उसकी कुछ फुटेज भी लीक हुई थी, यॉट में समुद्र के बीच में SRK नयनतारा शूट कर रहे हैं, जिसको कि फराह खान कोरियोग्राफ कर रही हैं। एंड एक और गाना होगा SRK एंड दीपिका का एक आइटम सॉन्ग होगा, डांस नंबर होगा, एंड फिर होगा जवान का थीम सॉन्ग। तो कुल मिला के पूरे 5 गाने होंगे एंड इस फिल्म का टीज़र भी आने वाला था आज यानी 2 मई के दिन, बट कल यानी 1 मई को कोई इसकी अनाउंसमेंट वीडियो तो नहीं आई है। सो आई डोंट थिंक कि आज टीज़र आएगा, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगता नहीं कि आ जाएगा टीज़र। लेट्स सी ये लोग टीज़र कब डालते हैं। सो ये थी कुछ अपडेट्स जिसके बारे में मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए। एंड आप लोग क्रिश 4 के लिए कितने एक्साइटेड हो एंड जवान के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।